हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और आज है न्यू ईयर, आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। और यहाँ पे मैंने सुबह सुबह अद्वे को कर दिया है रेडी और उससे करवा दी है भगवान जी की पूजा, क्योंकि अभी मुझे करने हैं काफ़ी सारे काम। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले भगवान जी की पूजा हो जाए, उसके साथ ही दिन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हो चुकी है भगवान जी की पूजा मेरी। पूजा करके नाश्ते के बाद मैं आ चुकी हूँ बेडरूम पे, और बेडरूम काफ़ी ज़्यादा मैस हो रखा है। सुबह से उठ के आज हम लोगों ने कोई काम नहीं किया है, तो यहाँ पे मैं अभी करने वाली हूँ इस रूम को प्रॉपरली क्लीन, और जो भी सामान इधर उधर है उन सारी चीज़ों को प्रॉपरली सेट करूँगी। और सबसे पहले मैं अपना जो रूम है उसे क्लीन करूँगी। तो मैं यहाँ पे चालू कर चुकी हूँ अपनी डस्टिंग, और अल्टरनेट डेज़ में मैं डस्टिंग करती रहती हूँ, तो ज़्यादा कुछ गंदा नहीं होता है। तो अच्छी बात ये होती है कि आपको क्लीन करने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, कम समय में आपकी क्लीनिंग हो जाती है। और डस्टिंग के साथ साथ आप दूसरी चीज़ों को भी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज़ करके सेट करके रख देते हो, तो ज़्यादा चीज़ें इधर उधर नहीं रहती हैं, चीज़ें प्रॉपरली मैनेज और ऑर्गेनाइज रहती है, जिससे घर थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने आज बेडशीट भी चेंज कर दी है और फ्रेश बेडशीट डाल दी है। और इसी के साथ यहाँ पे मेरा रूम हो चुका है प्रॉपरली सेट, और अब मैं चलती हूँ नीचे। और आज मैं सोच रही हूँ कि ये जो डाइनिंग टेबल है ये काफ़ी टाइम से ऐसे ही है, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग लुक को देती हूँ, थोड़ा सा चेंज करती हूँ डाइनिंग टेबल पे, तो थोड़ा सा फ्रेश टाइप का फील होगा। अभी ये लुक देख देख के मैं बोर हो चुकी हूँ, तो मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं अपने डाइनिंग टेबल को एक नया लुक देती हूँ। तो चलिए मिल के करते हैं डाइनिंग टेबल को सेट। यहाँ पे टेबल के ऊपर जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं वो मैं रख दूँगी, लाइक सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है, कैंडल है, सेंटेड कैंडल रखा है मैंने, और एक छोटा सा फ्लावर वास रखा है, तो जिससे डाइनिंग टेबल का लुक बहुत अच्छा आता है। तो ये है मेरा डाइनिंग टेबल का न्यू लुक। सारी चीज़ें हो चुकी हैं सेट, और अभी मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने के लिए। जो भी सारे कपड़े अभी निकले थे वो मैं सारे कपड़े तुरंत के तुरंत वॉश कर दूँगी। इसी के साथ जो क्लीनिंग का काम था वो ख़त्म होता है, और अब मैं जाऊंगी नहाने और उसके बाद मैं करूंगी कुकिंग। यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ और कर ली है भगवान जी की पूजा। आज के दिन मैंने भी भगवान जी को याद कर लिया है, और अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ चावल की खीर। तो उसके लिए मैंने दूध उबालने रख दिया है, और साइड में मैंने ये चावल भी भिगो के रख दिए हैं। और जो खाने की शुरुआत है वो मीठे के साथ कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं साइड में बनाने जा रही हूँ सब्ज़ी। तो सब्ज़ी में मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो मैं पहले उन्हें रोस्ट कर लेती हूँ। लहसुन डाल दिया, गार्लिक था नहीं मेरे पास, आप गार्लिक भी ऐड कर सकते हो, चॉप अनियन डाल दिए हैं, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैंने पकने रख दिया है। जब ये प्याज हो गए हैं तो मैंने इसमें थोड़े से काजू डाल दिए, काजू मैंने पहले नहीं डाले, बाद में डाले, जिससे वो जल नहीं जाए। और जब सारी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं तो मैंने इसमें साथ ही साथ डाल दिया है टमाटर, और यहाँ पे मैं टमाटर को भी थोड़ा सा पकने दूँगी। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर जो खीर मैंने रखी थी बनने उसे भी चला रही हूँ, जिससे कि वो नीचे लगे नहीं। और जो मैं मसाला बना रही हूँ उसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ सारे मसाले जो भी मेरे पास हैं, तो इन मसालों को भी डाल के मैं इन्हें थोड़ा सा पकने दूँगी। तो यहाँ पे दूध में उबाल आ चुका है, और इसी के साथ मैंने उसमें डाल दिए चावल, और अब मैं खीर को आराम से चावल के साथ पकने के लिए छोड़ दूँगी।
और ये जो मेरा सब्जी के लिए जो मैं मसाला रेडी कर रही थी वो भी रेडी हो चुका है। तो मैं इसको कढ़ाई से निकाल के इसे थोड़े देर के लिए ठंडा होने रख दूँगी। यहाँ पे प्याज और टमाटर जो थे वो मेरे ठंडे हो चुके हैं और मैं यहाँ पे बना दूँगी उनकी ग्रेवी। और मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया दोबारा से पैन, और अब इस पैन में मैं लगा दूँगी तड़का। और जब तक पैन गर्म हो रही है मैंने काट लिए हैं पनीर। इसलिए अभी जो ग्रेवी है उसको बहुत देर तक नहीं भूनना है। और यहाँ पे मैं साथ ही साथ में अपनी खीर को भी चेक कर रही हूँ और उसे उस पर भी ध्यान दे रही हूँ, उसे भी बीच बीच में चला रही हूँ। यहाँ पे मैंने ऐड किया है मटर पनीर मसाला और वो डाल के इसे थोड़ा सा चला के इसमें अब मैं ऐड कर दूँगी जो भी मटर है वो, और इसे 5 मिनट के लिए थोड़ा सा छोड़ दूँगी। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पनीर, और पनीर को भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसे अब मुझे जितना थिक रखना है उसके अकॉर्डिंग मैं उसमें ऐड करूँगी वाटर और इसे पकने रख दूँगी। थोड़ी देर बाद मैं इसे चेक करती हूँ। तो ये मेरी जो सब्ज़ी है वो पक चुकी है। हमें ज़्यादा थिक नहीं पसंद है सब्ज़ी, तो मैंने इसकी ग्रेवी हल्की सी पतली रखी हुई है, और ठंडे होने के बाद वैसे भी ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी टेस्ट को बढ़ाने के लिए पनीर का कसूरी मेथी। और यहाँ पे मेरी हो चुकी है सब्जी रेडी। और अब बना रही हूँ मैं गर्मा गर्म पूड़ी। और यहाँ पे जो मेरा खाना है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और ये लोग खाने के टेबल पे आ चुके हैं। अब मैं इन्हें गर्मा गर्म खाना सर्व करती हूँ। अवेद ने कुछ स्पेशल चीज बाय की है। किसके लिए? क्या है अवेद इसके अंदर? हाँ जल्दी बताओ क्या है। एनी गेस अवेद? एनी गेस? नो। ओह माय गॉडनेस। सॉरी। तो यहाँ पे वेद ने ऑर्डर किया था एक स्पीकर, और अच्छी बात ये है कि हमें वो नए साल के दिन मिल गया। और घर पे कोई भी चीज़ आती है वे सबसे ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और उसका एक्साइटमेंट और खुशी देख के हमें वो चीज़ अच्छी लगने लगती है। तो यहाँ पे वे स्पीकर देख के बहुत ज़्यादा खुश है। तो मैंने यहाँ पे लिविंग रूम में कैंडल्स वगैरह जला दी हैं और थोड़ा सा लाइट्स वगैरह ऑफ कर दिया है, तो जो रूम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और अभी यहाँ पे आते हैं हम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि चलो हम डांस करते हैं, डांस करते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा न्यू ईयर सेलिब्रेशन, और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।